पता नहीं क्या लिखते हैं आप के कुरान तो पूरा बरकत से भरा हुआ है, लेकिन ख़ास रिज़्क़ के हलाल के लिए, माल में बरकत के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हुजूर ने फरमाया कि सूरत अल-वाक़िया पढ़ा करो, यानी हर रात सोने से पहले, अब मगरिब के बाद पढ़ लो या इशा के बाद, तो जो सूरत वाक़िया हुज़ूर ने फरमाया पढ़ेंगे अल्लाह उनको फाका नहीं देगा। इसी तरह आसार सहाबा में है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार, उनकी इयादत के लिए हाजिर हुए, सलाम किया और पूछा कि माज़ा तश्तकी, क्या तकलीफ है? उन्होंने फरमाया ज़ुनूबी, मुझे गुनाह हो गया। फरमाया मा तश्तकी, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा रहमत रब्बी, में अल्लाह की रहमत चाहता हूं। तो अब हज़रत उस्मान ने फरमाया अफला नुरसिलु इलैका तबीबन, मैं मदीने मुनव्वरा से अपना शाही तबीब भेजू तेरे पास? तो हज़रत अब्दुल्लाह ने सुनाया इन तबीब का दरानी, तबीब ने मुझे देखा है। तो उन्होंने कहा तबीब क्या कहता है? उन्होंने कहा तबीब कहते हैं अफालुमा ऐशा, मैं जो चाहूंगा करूंगा, यानी तबीब अल्लाह की जात है, असल तो शिफा देने वाले वो हैं। चूंकि थोड़े से नाराज भी थे अब्दुल्लाह मसूद, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं अब अल्लाह का शुक्र है बैतुल माल में बहुत कुछ है, मैं आपके लिए कुछ रकम भेज दूँ हदिया। उन्होंने फरमाया हजरत जब मैं तंदुरुस्त था तो तुमने कभी नहीं भेजा, अब मौत के किनारे में पैसों को क्या करूँगा? तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के बंदे तुम्हारी लड़कियाँ हैं बच्चियाँ हैं उनके काम आएंगे पैसे। फरमाया अल्लम तो हमने सूरत अल-वाक़िया, मैंने अपनी बेटियों को सूरत अल-वाक़िया याद कराई हुई है, उनको फाका नहीं होगा कभी, तुम्हारे पास पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए एक बात तो ये है कि सूरत अल-वाक़िया हर मुसलमान मर्द है औरत है वो पढ़ा करे, याद नहीं है तो कुरान खोल के पढ़ लें। और रिज़्क़ के लिए दूसरी चीज़ क्या है? इस्तिग़फ़ार, कि जितना हो सके इस्तग़फ़ार किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये भी अल्लाह के कुरान में है कि जब अल्लाह फरमाते हैं तुम अपने रब से माफ़ी मांगते हो, इस्तग़फ़ार करते हो, युम्दिदकुम बिअम्वालिन वबनीन, मैं तुम्हारा माल भी बढ़ा दूंगा औलाद भी बढ़ा दूंगा।